बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रक्टर्स इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर मुश्तमिल है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स का रोल बताऊंगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से फॉल होते हैं और उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की एक टाइप है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिटेल के साथ कंस्ट्रक्टर्स के लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज एक्सिक्यूट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद पैरामीटर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर उस वक्त एग्जीक्यूट होंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट पैरामीटर के साथ क्रिएट होगा। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं वो विदाउट पैरामीटर कॉल हो जाते हैं, जबकि पैरामीटराइज्ड या कॉपी कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स के साथ क्रिएट होता है। इफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स आर प्रेजेंट इन बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास रन्स फर्स्ट देन कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। अगर डिराइव्ड क्लास और पेरेंट क्लास के अंदर जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की फॉर्म के अंदर होगा उनमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हैं तो बेस क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स पहले एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद डिराइव्ड क्लासेस के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे। उस सूरत में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स को जो बेस क्लास के अंदर होते हैं उनको चाइल्ड क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ लिंक करना पड़ता है, अदरवाइज वो कॉल नहीं होते। इस चीज को भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा था। फंक्शंस को कॉल करने के दो तरीके हैं, इम्प्लिसिट कॉल है और एक्सप्लिसिट कॉल है। लास्ट लेक्चर के अंदर इम्प्लिसिट कॉल के साथ हमने एग्जीक्यूशन की थी, आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लिसिट कॉल के थ्रू कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करवाएंगे। If we want to run parameterized constructor of base class, then it should be linked with parameterized constructor of the derived class in derived class. Base class के constructors जो parameterized constructors हैं उनको link करना पड़ता है। Let's suppose ये हमारे सामने एक scenario है जिसके अंदर हमारे पास तीन मुख्तलिफ classes हैं, A, B and C. A top level के ऊपर है, बी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है और सी बॉटम लेवल के ऊपर है। ए बी क्लास की पेरेंट क्लास है जबकि बी सी क्लास की पेरेंट क्लास है। सी ने बी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया हुआ है जबकि बी ने ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया हुआ है। ए ग्रैंडफादर का रोल अदा कर रही है, बी एज अ फादर है और सी एज अ चाइल्ड क्लास है। सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू बी क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है और उसके साथ साथ ए क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस किया जा सकता है। इस सारे के सारे सिनेरियो को सी प्लस प्लस के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि ये सारा सिनेरियो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, आइए देखते हैं। ये हम डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ ग्रैंडफादर की क्लास को डिफाइन किया जो कि टॉप लेवल के ऊपर है। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जी डिक्लेयर करवाया। पब्लिकली इसके अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोटोटाइप। आप
जिस तरह से फंक्शंस के प्रोटोटाइप को डिफाइन करते थे और उसकी डेफिनेशन क्लास से बाहर होती थी, बिल्कुल इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्टर्स को भी क्लास के अंदर प्रोटोटाइप डिफाइन कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन की जा सकती है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया, ग्रैंडफादर क्लास को क्लोज कर दिया, ग्रैंडफादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्लास से बाहर डिफाइन किया क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। इसके अंदर एक वेरिएबल पास होगा इंट जी वन, कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, जी को असाइन करें जी वन, जी वन के अंदर जो वैल्यू पास होके आएगी वो जी को असाइन हो जाएगी। सीआउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, किसके अंदर से वैल्यू है जी से, और साथ ही हैंडल जी प्लस प्लस, जी के अंदर जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। और उसके बाद सीआउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, दोबारा से जी से ही वैल्यू को लेके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है और साथ में हैंडल है। कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। क्लास के कीवर्ड के साथ एक और क्लास जो कि फादर क्लास के नाम से है उसको डिफाइन किया और उसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया ग्रैंडफादर की क्लास के साथ। ये मिडल लेवल क्लास है। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एफ डिक्लेयर करवाया पब्लिकली, इसके अंदर भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया और उसके साथ लिंक किया है ग्रैंडफादर क्लास के अंदर जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था उसको। कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, एफ को साइन कर दें एफ वन, एफ वन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एफ को असाइन हो जाएगी। सीआउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू उठानी है एफ से और लास्ट के ऊपर एंडल। एफ को असाइन करें, एफ के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एफ के साथ प्लस करके एफ को ही असाइन कर दिए, ये प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। उसके बाद सीआउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द एडिशन वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू, एफ से वैल्यू लेनी है और साथ ही एंडल है। कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया और क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास मिड लेवल की क्लास है जो टॉप लेवल की क्लास को इनहेरिट कर रही है थ्रू पब्लिकली। अब एक और क्लास को डिफाइन किया जो कि बॉटम लेवल के ऊपर है, क्लास के कीवर्ड के साथ चाइल्ड क्लास को डिफाइन किया और इसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया फादर क्लास से जो कि मिडल लेवल की क्लास थी। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, इंटीजर टाइप का सी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया पब्लिकली, इसके अंदर भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया और उसके साथ लिंक किया फादर क्लास के अंदर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, सी को वैल्यू असाइन कर दें सी वन, सी वन के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको सी को असाइन कर देंगे। सीआउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू लेनी है सी से और लास्ट पे एंडल। सी को असाइन करें सी मल्टीप्लाई बाय सी, सी के अंदर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके सी को ही असाइन कर रहे हैं। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, सी से वैल्यू लेनी है और लास्ट पे एंडल है। कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया और चाइल्ड क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास बॉटम लेवल की क्लास थी जो कि चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास मिडल लेवल क्लास फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है और फादर टॉप लेवल की क्लास ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। तो इस तरीके से तीन क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल हमारे पास ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। इंट मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके अंदर एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर्स को कॉल किया है, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट C1 क्रिएट किया और उसको वैल्यू पास कर दी 10, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ C1 और उसको वैल्यू पास की है 10। मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम C1 है, इसके अंदर तीन इंटीजर टाइप के
वेरिएबल भी होंगे और तीन इसके अंदर फंक्शंस भी हैं जो कि कंस्ट्रक्टर्स हैं। ये जी है, ये एफ है और ये सी है। तीन इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद होंगे। जैसे ही पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके साथ ही चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। तो कंट्रोल यहां से जंप करेगा और चाइल्ड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएगा। उसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल C1 डिक्लेयर हुआ है जिसको वैल्यू पास हुई है 10। C1 का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसको वैल्यू पास हुई है 10। इस कंस्ट्रक्टर की वर्किंग स्टार्ट होने से पहले ये एक और क्लास के साथ लिंक कर रहा है एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि फादर क्लास का है। तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा इनहेरिटेंस की वजह से, उसके बाद चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो C1 की वैल्यू फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास हुई है, तो यहां से वैल्यू 10 इसको पास हुई है और कंट्रोल यहां से मूव करके फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाएगा। कंट्रोल यहां पे आया, फादर क्लास के अंदर इंटीजर वेरिएबल F1 है और F1 को वैल्यू साइन हो जाएगी 10 जो C1 से सेंड हुई थी। अब इस क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ ग्रैंड फादर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिंक हुआ है जो कि इनहेरिटेंस का रिलेशन भी है। फादर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बाद में एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले कंट्रोल कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाएगा और उसको वैल्यू F1 के अंदर जो वैल्यू है उसको पास कर रहे हैं। तो 10 की वैल्यू ही इसको पास कर दी, तो कंट्रोल यहां से मूव करके ग्रैंड फादर क्लास के अंदर इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाएगा। कंट्रोल ग्रैंड फादर कंस्ट्रक्टर के ऊपर आ जाएगा और इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है G1 का और G1 को वैल्यू साइन हो जाएगी जो पास होके आई थी, 10 वैल्यू इसके अंदर पास हुई थी वो G1 को असाइन हो जाएगी। इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जी को साइन करें G1, G1 के अंदर 10 है वो वैल्यू जी को साइन हो जाएगी। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10। और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जी प्लस प्लस होगा, जी के अंदर वैल्यू 10 है, प्लस 1 करके असाइन कर दें, जी के अंदर वैल्यू 11 हो जाएगी। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी। जी के अंदर इस वक्त 11 है और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वर्किंग कंप्लीट हो गई और कंट्रोल यहां से जंप करके वापस जाएगा जिस पोजीशन से मूव करके आया था। कंट्रोल फादर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के ऊपर आएगा, इसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, अब फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होगी। इसके अंदर एफ को साइन करें F1, F1 के अंदर वैल्यू 10 है वो F को साइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 10 न्यू लाइन के ऊपर। और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर F को साइन करें F प्लस F, F के अंदर 10 है, प्लस करें 10 प्लस 10 20 हो जाएगा और असाइन हो जाएगा F को ही, F के अंदर वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी 20। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट द एडिशन वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 20 न्यू लाइन के ऊपर।
एफ के अंदर से वैल्यू है, एफ के अंदर वैल्यू 20 है, हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। इसकी भी वर्किंग कंप्लीट हो गई, कंट्रोल यहां से मूव करके वापस जाएगा जहां से मूव करके आया था। फादर के क्लास के अंदर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब चाइल्ड क्लास के अंदर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर सी को साइन करें C1, सी को साइन करें 10, C1 के अंदर वैल्यू 10 है वो सी को साइन हो गई। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा सी आउट के साथ, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 10। एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद सी को साइन करें सी मल्टीप्लाई बाय सी, सी के अंदर इस वक्त 10 है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100, इसके अंदर वैल्यू 100 हो जाएगी, ओवरराइट होके वैल्यू 100 साइन हो गई। उसके बाद सी आउट के साथ मैसेज आ जाएगा द मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 100। एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। कंस्ट्रक्टर्स की वर्किंग कंप्लीट हो गई, कंट्रोल वापस जाएगा मेन प्रोग्राम के अंदर। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ तमाम के तमाम क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस डिस्प्ले हो गए हैं, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10, द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 11, द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 10, द एडिशन वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 20, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 10, द मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 100। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।